तो नमस्ते छात्र मित्रों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल आचार्य अकेडमी और मैं कृष्ण अमत्य और आपको आज बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी खबर देने जा रहा हूँ। तो आज अब आचार्य अकेडमी की तरफ से लॉन्च हो रहा है नया फ्री एजुकेशनल ऐप जिसका नाम है आचार्यास गुरुकुल। स्पेलिंग लिख लीजिए, आचार्यास गुरुकुल। तो आप प्ले स्टोर पे जाकर इससे टाइप करके आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। अब क्यों इंस्टॉल करना है, यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, तो आचार्य गुरुकुल पर मिलेगा आपको फ्री कंटेंट नीट और जेई का, नीट और जेईई दोनों एग्जाम का आपको टोटल कंटेंट वर्सेस और तो और प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज भी मिलेंगे आपको। आपको क्या मिलेगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे और आपको फ्री में लेक्चर्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स सारे के सारे एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे आपको चैप्टर वाइज। आपको वहाँ पर ज़्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। तो मेडिकल और आईआईटी के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। तो प्लस आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, आचार्य गुरुकुल डालना है और आपको बस इंस्टॉल करना है आपके मोबाइल पर ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो चलिए इसे इंस्टॉल कर लीजिए और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं मेरा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए, हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, हमने लास्ट वीडियो में कोनिक सेक्शन का एक्सरसाइज नंबर 11.1 का पार्ट 1 देखा था जिसमें हमने लास्ट 9 क्वेश्चन देखे। तो इसके इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इनसे आगे का जो पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट है वो इसमें हम खत्म करने वाले हैं। तो ये हमारा होगा एक्सरसाइज 11.1 का पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल का क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। पासिंग थ्रू दी पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिए हुए 4.1 and 6.5। पॉइंट 4.1 ए दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है 6.5। 4.1 and 6.5 ये दो पॉइंट है, वो सर्कल क्या हो रहा है, पास हो रहा है 4.1 and 6.5। हू सेंटर इज ऑन द लाइन 4x + y = 16। सेंटर किस लाइन पर है उसका, 4x + y = 16। इस लाइन पर उसका सेंटर है 4x + y = 16। ये लाइन है, ये लाइन पर हमें सर्कल का सेंटर दिया हुआ है और वही सर्कल जो है वो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। फिगर निकालूंगा मैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 4x + y। क्या है इक्वेशन इस लाइन का, 4x + y। और ये सपोज ये सर्कल है हमारा और इस सर्कल का जो सेंटर है उस इस लाइन के ऊपर है, इस सर्कल का जो सेंटर है इस लाइन के ऊपर है, सेंटर C = h, k। और ये जो सर्कल है इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, सपोज 4.1 यहाँ पर है हमारा और 6.5 यहाँ पर पे 6.5 हमारा सपोज कर लीजिए। तो ये दो पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है और इस लाइन के ऊपर इसका सेंटर है। तो अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन। अगर सर्कल इस दो पॉइंट के अंदर से पास हो रहा है, इस दो पॉइंट के अंदर से सर्कल क्या हो रहा है, पास हो रहा है, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, ये हमारा x, y है, ये क्या है हमारा x, y, ये भी हमें क्या दिया हुआ है x, y। और C यानी सेंटर क्या है हमारा h, k। तो अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल r² = x² - x - h² + x - h² + y - k² आर स्क्वायर यानी रेडियस, रेडियस तो दी नहीं है यानी आर स्क्वायर ही लिखेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4.1 है, एक्स की वैल्यू क्या है 4.1 तो डाल देंगे वो,
फोर माइनस वन उसका होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सॉरी फोर वाई की वैल्यू है वन, ये एच एज इट इज, एच और के एज इट इज लिखना है और ये फोर कॉमा वन पॉइंट लिख दिए मैंने। उसी तरह से सिक्स कॉमा फाइव इस पॉइंट से भी सर्कल पास हो रहा है, यानी इसे मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस के होल स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, यानी राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे, फोर माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वन माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका एक्सपांशन ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इसका एक्सपांशन करेंगे। क्या होता है इसका एक्सपांशन, ए स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन माइनस टू इंटू ए इंटू बी, यानी ये होगा एट एच प्लस बी का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर यानी सिक्सटीन का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए का स्क्वायर यानी ये 36 होगा माइनस 12 h होगा प्लस h स्क्वायर होगा 36 माइनस 12 h प्लस h स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 के प्लस a का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए h स्क्वायर है k स्क्वायर है, यहाँ पर भी एच स्क्वायर है और के स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल, एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसल, सेम सेम जो चीजें होंगी वो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी। माइनस एट एच है यहाँ पर ट्वेल्व एच है, माइनस ट्वेल्व एच अगर इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव ट्वेल्व एच हो जाएगा और ये माइनस एट एच, माइनस टेन के जब इस साइड में आएगा तो प्लस टेन के और यहाँ पर माइनस 16 प्लस 1 यानी कितना होगा ये 17 36 प्लस 25 36 प्लस 25 कितना होगा 61 इस साइड में आने के बाद 61 क्या होगा नेगेटिव इक्वल टू 0। देखिए सारी की सारी चीजें ले ली मैंने, सारी की सारी चीजें मैंने ले ली, 12h माइनस 8h यानी ये होगा 4h प्लस 8k ये 17 61 में से 17 चला गया कितना बचता है, बचता है सिर्फ 44 लिख लीजिए 11 यानी 45 में से 1 चला गया 44 कितना बचता है 44 बड़े का साइन तो नेगेटिव 44 होगा इस साइड में आने के बाद पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको नेगेटिव 44 और इस साइड में आने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसे कह दीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 1। देखिए हमारा जो सेंटर है वो किस लाइन पर है 4x plus y equal to 16 यानी इस सेंटर के h कॉमा k जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई करते हैं, यानी x और y की जगह पर हम h और k लिख सकते हैं, तो वो होगा 4h plus 4h plus k is equal to 16 4h plus k is equal to 16। अगर इसी इक्वेशन को मैं 4x plus y है ना 4x plus तो 4h plus k हो जाएगा इस बार उसे सकते हैं, मैं क्या करूँगा अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लूँगा, इसे क्या कर लूँगा सब्ट्रैक्ट, इसे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये होगा माइनस, ये भी होगा माइनस और ये भी होगा माइनस, नेगेटिव तीनों क्या होंगे नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव 4h कैंसिल हो गया, 8 के से में 1 के चला गया है 7 के, यहाँ पर क्या बचता है सिर्फ 7 के और यहाँ पर क्या बचेगा 44 में से 16 चला गया, 44 में से 16 चला गया, 14 में से 6 चला गया 8 बचेगा, फिर 3 में से 1 यानी 2, 3 में से 1 चला गया यानी 2, तो 7 4 28 क्या होगा 7 4 28 28 ये मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में चला जाएगा 7 4 28 यानी k की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, मुझे k मिल रहा है मेरा 4, k क्या मिल रहा है मेरा 4 मिल रहा है, अगर मैं k की वैल्यू
इस किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इस इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देता हूँ, तो मुझे एच क्या मिलेगा, देखिए के ए फोर, फोर एट का 32, और ये हो जाएगा इसमें से सब्ट्रैक्ट, अगर इस साइड में जाएगा तो 44 माइनस 32 यानी बचेगा 12, और 12 डिवाइडेड बाय 4 यानी 3, एच की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 3 मिलेगी, एच की वैल्यू क्या मिलेगी 3, एच की वैल्यू 3, और के की वैल्यू क्या है 4 है, एच की वैल्यू 3 और के की वैल्यू 4, एच के मिल गया मुझे। अब मैं आर निकाल सकता हूँ एच और के की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर मैं एच और के की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। तो देखिए 4 माइनस एच कितना है मेरा 3, 4 माइनस 3 यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 यानी के, 1 माइनस 4 यानी 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा 10, आर स्क्वायर यानी 10 हो रहा है, आर स्क्वायर यानी क्या मिल रहा है मुझे 10 मिल रहा है। तो बस स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको क्या करना है, बस वैल्यूज पुट अप करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन में आपको वैल्यूज पुट अप करना है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर इसमें सारे R, H और K की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ द सर्कल मिल जाएगा, आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर मेरा क्या है 10 है, आर स्क्वायर क्या है 10, एक्स माइनस एच क्या है मेरा, एच क्या है, एच है मेरा 3 होल स्क्वायर, प्लस वाई माइनस के की वैल्यू क्या है मेरी 4, के की वैल्यू मेरी 4, तो ये बन गया हमारा सर्कल का इक्वेशन। इसका एक्सपांशन कर सकते हैं आप, एक्सपांशन करके इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं आप, आपको क्या करना है बस अभी यहाँ पर इसका एक्सपांशन करना है, यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पर भी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है और इसे आगे सॉल्व करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दी सर्कल मिल जाएगा। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है हमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है हमें जो किस पॉइंट से जा रहा है 2, 3 और -1, 1 एंड होल सेंटर इज ऑन लाइन x-3y-11=0। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है ना, वैसा ही प्रॉब्लम है, सेम टू सेम एज इट इज, वही करना है आपको, दो इक्वेशन बनाना है, एच और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एच और के की वैल्यू जब फाइंड होगी तब आपको क्या करना है, उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करके आर की, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, और आर आर मिल गया आपको, एच मिल गया और के मिल गया, तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाल सकते हैं सर्कल का। बस पिछला वाला जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसी प्रकार का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको घर पर सॉल्व करना है, और अगर कुछ दिक्कत आते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5, रेडियस क्या दी हुई है क्वेश्चन नंबर 12 में, देखिए सर्कल की रेडियस दी हुई है यहाँ पर 5, हुज सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक्स एक्सिस पर लाई हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई हो रहा है और पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, कहाँ से पास हो रहा है 2, 3 से पास हो रहा है, सर्कल की रेडियस दी है 5, सर्कल की रेडियस क्या है 5, और सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 यानी P दिया हुआ है, और निकालना क्या है हमें क्वेश्चन नंबर 12 में, इक्वेशन निकालना है सर्कल का, इक्वेशन निकालना है। सेंटर इज लाई ऑन एक्स एक्सिस, और क्या बताया हुआ है, उसका जो सेंटर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है
ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाया करता है, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ तो भी होगा, एक्स होगा, तो कोई मान लीजिए उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाया करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है जीरो, क्या होता है जीरो, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाया होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है जीरो होता है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ होगा कुछ वेरिएबल, और वाई कोऑर्डिनेट पक्का जीरो ही होता है। और अब सेंटर होता है एच कॉमा के, के की वैल्यू क्या है यहाँ पर जीरो है, के की वैल्यू क्या है जीरो, सेंटर एच कॉमा जीरो मिला है मुझे, पॉइंट ये मिला है मुझे 2.3, इस पॉइंट से जा रहे हो सर्कल, देखिए इस प्रकार से सर्कल ही ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पर, सपोज ये वो हमारा सर्कल है, ये सेंटर है उसका एच कॉमा जीरो, और ये पॉइंट है 2.3 जहाँ से वो सर्कल पास हो रहे हैं, और इसकी जो रेडियस है रेडियस वो दी है 5। अब हमें इस सर्कल का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है, और सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू दी है मुझे 5, और 5 का स्क्वायर होता है 25 इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है 2 माइनस एच एज इट इज होल स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वाई, वाई की वैल्यू 3 है यहाँ पर, और के क्या है, के है मेरा 0 होल स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये होगा 4 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, तो ये 4 प्लस 9 कितना होगा 13, और 25 में से ये 13 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इस साइड में पॉजिटिव है, इस साइड में आने के बाद निगेटिव होगा, और ये माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर, 25 माइनस 13 कितना बचेगा 12, और 12 इस साइड में आने के बाद क्या होगा निगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव 12 बचेगा, इस साइड में आने के बाद निगेटिव, ये माइनस 4h ये पॉजिटिव वाला इस साइड में आने के बाद निगेटिव होगा, तो ये बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम तो h की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए इसके जो ये होंगे फैक्टर होंगे, क्या होंगे फैक्टर, हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए माइनस 12 एडिशन चाहिए माइनस 4 तो माइनस 6 एच प्लस 2h कितना होगा माइनस 4h और 6 टू द 12 नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला 12 एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h इक्वल माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर मैं इस दो टर्म में से h कॉमन ले लेता हूँ, अगर इन दोनों टर्म में से h कॉमन ले लेता हूँ तो h माइनस 6 यहाँ पर क्या हो जाएगा h माइनस 6 प्लस 2 को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी h माइनस 6 होगा h माइनस 6 h माइनस 6 इक्वल टू 0। तो या तो h माइनस 6 एक ब्रैकेट में होगा h माइनस 6 और एक ब्रैकेट में होगा h प्लस 2 इक्वल टू 0, या तो h इक्वल टू 6 होगा या तो h इक्वल टू माइनस 2 होगा, h इक्वल टू या तो 6 होगा या तो माइनस 2 होगा। तो अगर h की वैल्यू 2 आ रहा है तो जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या मिलेंगे मुझे 2, या तो ये होगा या तो वो होगा, मतलब देखिए सपोज अगर h की वैल्यू मैं करता हूँ, h की वैल्यू अगर 6 है, इफ h इज इक्वल टू 6 है, h की वैल्यू क्या है 6 है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा मैं r स्क्वायर यानी 25 इक्वल टू x माइनस 6 y माइनस 0 होल स्क्वायर, की वैल्यू 0 है h की वैल्यू 6 है, यहाँ पर 25 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 12x 6 टू द 12x प्लस 36 प्लस ये होगा y स्क्वायर प्लस क्या होगा y स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x और ये 25 उस साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा नेगेटिव 25, 36 माइनस 25 कितना बचेगा, कितना होगा 6 और ये 5 यानी 11, क्या बचेगा 11 बचेगा 5 6 11 इक्वल टू 0, ये होगा इक्वेशन हमारा। अगर h की वैल्यू अगर 6 होने की बजाय h की वैल्यू क्या है मेरी माइनस 2 है, क्या है माइनस 2 है,
तो ये होगा 25 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 उसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये होगा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 25 उस साइड में आने के बाद निगेटिव हो जाएगा, उस साइड में आने के बाद निगेटिव हो जाएगा 4 माइनस 25 यानी 21। पहले तो ये लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 4x और ये माइनस 21 इक्वल टू 0। या तो ये बनेगा इक्वेशन या तो ये बनेगा, इन दोनों में से एक इक्वेशन होगा आपका। तो चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जिस जो सर्कल पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इंटरसेप्ट क्या बना रहा है, ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ए यानी एक्स एक्सिस के ऊपर का इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है ए, और वाई इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, बी इंटरसेप्ट दिया हुआ है बी। और कहाँ से, और कहाँ से पास हो रहा है सर्कल, 0, 0 यानी ओरिजिन से भी पास हो रहा है सर्कल। यानी अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालता हूँ और अगर ये हमारा सर्कल होगा सपोज, तो ये कहाँ कहाँ से जा रहा है, 0, 0 से पास हो रहा है, और इंटरसेप्ट ये वाई इंटरसेप्ट 0, b और एक्स इंटरसेप्ट क्या है, a, 0। इस सर्कल का हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है इस सर्कल का। हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 13 है ये, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। अब कहाँ कहाँ से पास हो रहा है, 0, 0 से पास हो रहा है। अगर 0, 0 से पास हो रहा है यानी ये होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस एच स्क्वायर प्लस 0 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसे कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब कहाँ से और कहाँ से पास हो रहा है, 0, a, 0 से भी और 0, b से भी। a, अगर 0 से पास हो रहा है तो यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होगी, a, 0 हो जाएगी। तो x की वैल्यू a पुट कर दीजिए और y की वैल्यू 0, तो ये r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ah प्लस x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल होगा और ये भी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ah इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसमें से अगर a कॉमन लेता हूँ मैं तो ये होगा a माइनस 2h इक्वल टू 0, या तो a इक्वल टू 0 होगा इसका मतलब, या तो a इक्वल टू क्या होगा, 2h होगा। a कभी भी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर a 0 होगा तो ये पॉइंट भी क्या बन जाएगा, 0, 0 यानी ओरिजिन, यहाँ पर भी 0, 0 यहाँ पर भी 0, 0 पॉसिबल हो सकता है क्या, नहीं। x इंटरसेप्ट कभी 0 होता ही नहीं है, क्योंकि 0, 0 क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन है क्या ये, नहीं है, ये क्या है, x इंटरसेप्ट। तो h इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरा, a/2, h क्या बनेगा मेरा, a/2। अब देख लीजिए और एक पॉइंट है 0, b, यहां से भी सर्कल पास हो रहा है, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, x, x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, 0 माइनस h होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, b है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b है, b माइनस k स्क्वायर। तो ये होगा h स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bk प्लस k स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस 2bk इक्वल टू 0। अगर इसमें से भी मैं अगर b कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा b माइनस 2k इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू 0 होगा या तो b इक्वल टू 2k होगा,
बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि वाई इंटरसेप्ट भी क्या बन जाएगा, फिर ओरिजिन बन जाएगा, जीरो कॉमा जीरो ये भी ओरिजिन बनेगा, लेकिन ये ओरिजिन है क्या, नहीं ये क्या है वाई इंटरसेप्ट है, ओरिजिन नहीं है, इसलिए बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर क्या होगा, के की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, बी अपॉन टू, के क्या होगा मेरा बी अपॉन टू, एच भी क्या है मेरा ए अपॉन टू, ए मिल गया मुझे, एच भी मिल गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करके मैं इक्वेशन बना सकता हूँ सर्किल का, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें क्या पुट कर देंगे हम इस h और k की वैल्यू, r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस a बाय 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस b बाय 2 होल स्क्वायर, और h r स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये क्या हुआ x स्क्वायर माइनस 2 into a by 2 यानी a 2 into a by 2 into x minus ax plus a square upon 4, a square upon क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y square minus by plus b square upon 4, h का square यानी a by 2 का square, a square upon 4, ये b square upon 4, इसे मिटा देता हूं। तो ये क्या होगा a square plus b square upon 4, अगर मैं इससे सारी चीजों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या बचेगा a square plus b square, और यहां पर क्या होगा 4x square minus 4ax प्लस ए स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4by प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, बचता क्या है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 4by इक्वल टू 0, ये बचता है। अगर इसमें से 4 कॉमन ले लूंगा मैं तो क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस बी वाई इक्वल टू 0, ये 4 उस साइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा, और फिर इक्वेशन क्या बनेगा मेरा, ये होगा मेरा सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही आसान सा सवाल है, जहां पर आपको सेंटर दिया हुआ है 2.2 और पॉइंट दिया हुआ है, कहां से पॉइंट कहां से पास हो रहा है सर्कल 4.5, इस पॉइंट से पास हो रहा है और ये है इसका सेंटर, तो हमें क्या निकालना है सिर्फ इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन निकालना है तो बड़ा ही सिंपल है, इक्वेशन क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, r स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। अब यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू हम पता कर सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू स्कूट करके, ये है हमारा x कॉमा वाई और ये है हमारा h कॉमा k, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस k यानी क्या है 2 होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 यानी 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 5 माइनस 2 यानी 2, 5 माइनस 2 यानी 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी r स्क्वायर होगा मेरा 4 प्लस 9 यानी 13, r कितना होगा मेरा 13 होगा, r क्या होगा 13, r स्क्वायर 13, तो 13 अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे हम r स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होगा 13 x माइनस h की वैल्यू क्या है 2 है मेरा सेंटर प्लस y माइनस k की वैल्यू क्या है 2, 13 इक्वल टू क्या होगा ये
x square minus 4x plus 4 plus y square minus 4y plus 4. X square minus 4x plus y square minus 4y. ये 4 और 4 कितना होगा 8, 13. उस साइड में आने के बाद माइनस होगा, 8 माइनस 13 यानी कितना बचेगा, 8 माइनस 13 यानी माइनस 5. और ये होगा मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दी सर्कल. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को नोट डाउन कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए. क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पॉइंट दिया हुआ है माइनस 2.5 और 3.5. माइनस 2.5 और 3.5 ये पॉइंट है. हमें पता करना है ये इनसाइड है या आउटसाइड है सर्कल की. कौन से सर्कल के? इस सर्कल की. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है आपको. और आपको क्या पूछा है, ये पॉइंट इसके अंदर है या सर्कल के ऊपर है या सर्कल के भीतर है. अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया है, यानी यहां पर एच और के की वैल्यू क्या है, क्या है एच और के की वैल्यू, एक्स माइनस एच, माइनस में कुछ भी नहीं, यानी एच और के क्या है यहां पर, एच कॉमा के है यहां पर 0.0. क्या है 0.0 यानी ओरिजिन का, उसके सेंटर कहां पे, इसका ओरिजिन स्टैंडर्ड सर्कल है ये. अगर सेंटर, अगर ओरिजिन होता है सर्कल का, सेंटर क्या होता है, ओरिजिन होता है, तो उसे स्टैंडर्ड सर्कल कहते हैं. ये वाला कौन सा सर्कल है, स्टैंडर्ड सर्कल है. इसकी रेडियस क्या है, रेडियस रूट 25 है, रूट 25 यानी 5 है इसकी रेडियस. इसकी रेडियस क्या होगी, अगर इसका सेंटर अगर 0.0 है तो इसकी रेडियस क्या होगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है माइनस 2.5 यानी 5/2. माइनस 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 माइनस 5/2 भी लिख सकते हैं. माइनस एच की वैल्यू क्या है 0 उसका स्क्वायर, प्लस वाई क्या है, वाई है 3.5, 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं. 7/2 यानी 3.5 माइनस 0 उसका होल स्क्वायर. तो ये क्या हुआ, माइनस 5/2, 5 का 25 और 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 का होगा ये 4. ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया मेरा. दोनों का जो डिनोमिनेटर है कॉमन है 4, ऊपर के जो न्यूमरेटर होगी उनकी एडिशन होगी, 49 प्लस 25 यानी होगा 74. 74 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, 74 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा 4 बंदा 4 बचता है कितना 3, 34 आ रहा है. 4 8 दा 32 बचता है 2 यानी 18.5. आर स्क्वायर क्या आ रहा है मेरा 18.5 और यहाँ पर आर स्क्वायर कितना है मेरा 25. आर स्क्वायर क्या है मेरा 25 और मुझे यहाँ पर आर स्क्वायर कितना मिला है 18.5. इसका मतलब इसकी रेडियस क्या है, छोटी है. इसकी रेडियस क्या है, ये रेडियस से छोटा है, यानी ये सर्कल के क्या आ जाएगा, भीतर आ जाएगा. देखिए ये है रेडियस उसकी 5 है. अगर ये 5 से छोटा होगा कोई भी पॉइंट ओरिजिन से, इसका डिस्टेंस 5 से अगर कम होगा तो वो क्या होगा, सर्कल के भीतर होगा. अगर 5 से ज़्यादा होगा तो सर्कल के बाहर आउटसाइड होगा, सर्कल के आउटसाइड. अगर 5 से छोटा हो गया तो इनसाइड होगा. और अगर इसका डिस्टेंस 5 ही होगा सेंटर से तो ये सर्कल के ऊपर होगा. यानी हमारा पॉइंट कहाँ पर है, हमारा पॉइंट सर्कल के भीतर है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये 15 का हमारा इसे नोट डाउन कर लीजिए. तो यहाँ पर हम हमारा पार्ट टू जो 11.1 का पार्ट टू है वो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं. तो अगर कुछ डाउट वगैरह है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए. वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों को भी चैनल पर देखने के लिए. तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में. बाय बाय.